देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं, सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशोन्दनम सोहम सुरति समापतम सकल समान निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा था है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे, समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे से 88, उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा दावे से 88, उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरों चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बंदी जामे गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चौहा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देव सुख जय
इब कैसते गुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यहाँ किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्य दायक हैं, उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाह अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो, ये पूरी पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहाँ है, किसने देखा है और परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए, ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं, बहुत ही भयंकर लोक है ये, और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सर्वपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और 16-17 में प्रभु की परिभाषा वर्णित है, सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में दो पुरुष हैं, 16 श्लोक में 15 अध्याय के, एक सर्वपुरुष है एक अक्षर पुरुष है। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने, कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और इस सर्व लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रगट हुआ हूं।
श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, इन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और गीता ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये सर्वपुरुष, ये काल भगवान, जिसे हिंदू अपने ऋषि, सनातन धर्म के ऋषि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सर्वपुरुष है। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूँ और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इसने बोला, जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। इस हम सर्वपुरुष के लोक में रह रहे हैं। गीत श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं। एक सर्वपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, नील, पद्म, शंख, सेवन शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है, उसको अक्षर पुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में, 16 में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष बताए और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी, उनका भी शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में स्पष्ट किया है। एक मंत्र में कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, 1 और 2 में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन सभी विभागों को, इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतीथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए। अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने,
हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जिन्हें मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना, ये आपके गले की झाड़ बन जाएगी। घनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको यही घसीटे रखेगी, सतलोक जाने नहीं देंगे। फिर भी परमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग्य में परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना, चाहे वो कितना ही है, उसको अपना ना मानना, ये आपका नहीं है, ये भूल मत करना। परमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो, ना तो ये संपत्ति तेरी है ना ये काया तेरी है। जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ति को कैसे तू अपनी मान बैठा। बोली आत्मा, ये कोई नशा है तेरे अज्ञानता का। अब इस ये अज्ञानता का नशा हटाने के लिए एंटीबायोटिक ये औषधि सत्संग रूपी तत्व ज्ञान आपको डोज पर डोज दी जा रही है। एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा। तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। वो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, सरपुरुष वाकीदार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने एक अमृत वाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरलास कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। ना सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं, जैसे रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक वही बिरून। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून और ताते लंक वही बिरून, बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। इव जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहाँ से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी, रामचंद्र कौन था, राजा दशरथ का पुत्र, रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उस सूक्ष्म वेद में बताया है, एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री, एक ट्री है और सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात्र रूप संसार। अक्षर, वो परम अक्षर पुरुष कौन है, वो ये दास बताने के लिए भेजा है।
वो वही है जिसने ये ज्ञान दिया अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को। वही है जिसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की उसी की भक्ति करनी चाहिए और की नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्परम, ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर संसार प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविणम, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुण हैं, जिनका हम रह रहकर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था, अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका, और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के कोड सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने, आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते, फिर हमारे पास क्या आ जाते, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है, और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लखबर सूरा जोज ही लखबर सावत दे,
लख वर्यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के, लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, लिख बोला था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं उनको मैं खोजता फिर रहा हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ, तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो जिनको परमात्मा, जिन आपको परमात्मा युगों से खोज रहा है, अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा के जहाज से उतर ना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बौद्धल के अंदर बह जाओगे, असंग जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है, वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री हैं, संपत्ति संतान है, एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये समझ में होगा थोड़े दिन में आपके, आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहाँ के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है, आज हम सारा लग रहे हैं ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, ये कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी और फिर गधा बना फिर वहाँ करोड़ियों पे, क्या क्या है ये। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत होगी, कुछ नहीं हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूमिया, मिला ना निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर, जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुनकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं, तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफ़ी समय बीत जाता है, काफ़ी समय दूर, काफ़ी दूर निकल जाता है जहाज सूर्य उदय पर, पुराने समय की बातें हैं। उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए
जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि उसको वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था, तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट। उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है, एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और यो सतलोक आश्रम स्थान हरीशदास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सुजत और नठोर। इस परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, इस सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतिरिक्त पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे। भावार्थ ये है परमात्मा का, यदि आप कबीर भगवान को और सतनाम को छोड़कर यदि आप अन्य संत की शरण में जाओगे तो डूबगे, भगवान की भक्ति छोड़कर संसारिक इस काम में लगे तो डूबगे। तो इससे पार होने के लिए ये राम नाम का जहाज आपने छोड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको जहां भी कोई भी क्रिया संसार की वो आपको डबोण की है, तारण की नहीं है। इतनी सी बात आपको कुछ दिनों में हृदय में दस जाएगी और तभी आप भक्त बनोगे। तो परमात्मा ने आके बताया है कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करता, उसका मानव शरीर ऐसा है जैसे वाटरलेस वेल होता है, वेल विदाउट वाटर यानी कूप जल रहित। कितना सुंदर कुआ हो, कूप हो, और कितनी उसके ऊपर चित्रकारी कर रखी हो, उसमें जल नहीं है तो वो नाम भले ही कुआ है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो साधना भक्ति नहीं करते प्राणी मनुष्य जीवन पा करके, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात यह है कि जो साधना करते हैं एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में ना करके किसी अन्य देव को इष्ट बनाकर आन उपासना करते हैं, वो साधना करते करते भी फेल हैं, उनकी साधना भी व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा आज का जो शुभ दिन है, आज के दिन इस दास का जीवन कल्याण हुआ था, आज का वो शुभ दिन है। आज का वो शुभ दिन है इस दास के जीव का उद्धार हुआ था, और इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था।
और उपदेश भी वो जिसको हम खोजते खोजते असंख्य युग हो गए थे, वो उपदेश सहज में प्राप्त हुआ था। वो दिन आज भी भूला नहीं जाता इस दास से। यदि हम अंग्रेजी महीनों में गिने तो 17 फरवरी सन 1988 का वो शुभ दिन, और वैसे अमावस्या थी, अमावस्या का दिन फाल्गुन अमावस्या थी, जो आज फाल्गुन अमावस्या है, ये शुभ दिन। और इस समागम के अंदर एक दो विशेषताएं हैं। एक तो दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। परमात्मा की वाणी में लिखा है कि जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख जान, बाकी जन्म गंवा दिया व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जब तक आपको उपदेश नहीं मिलता मनुष्य शरीरधारी प्राणी को, तब तक आपका जीवन मनुष्य का नहीं है। अन्य पशु पक्षियों जैसी ही हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो मनुष्य जीवन नहीं है। जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु सतगुरु और सत साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जन्म समझ लो पुनर्जन्म, आपका मानव का जन्म स्टार्ट होता है। जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख जान, और बाकी समय व्यर्थ गया गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो शुभ दिन है। और दूसरा इस समागम का महत्व है कि अमावस्या के तुरंत बाद जो एकम आती है प्रथमा, उस दिन सन 1997 में इस दास को परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी ने दर्शन दिए, और इस समय को जो कि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था उसको बताया कि सार्थक समय है, अब इस सार नाम का दान करना प्रारंभ कर दे। तो पुण्यात्माओं, इस समागम के अंदर ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं दास के जीवन में घटी हैं। अमावस्या को तो नामदान हुआ दास को, और प्रथमा यानी 1997 की प्रथमा को परमात्मा के दर्शन हुए, तथा सतनाम, ये सारनाम देना वैसे बालकों का खेल नहीं, इस सतनाम को और सारनाम को गुप्त रखना था। और इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं करना था। दास का भी दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं गलत समय पर इसका इसको सार्वजनिक ना कर दूं। सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। तो 1997 तक दास ने एकाध ही को, कुछ एक को ये सार नाम दिया था, नहीं तो नहीं दिया था। मुझे हिचका हुआ देखकर परमात्मा ने आपको आना पड़ा, क्योंकि वो आपके लिए भटक रहे हैं, हम तो जीव हैं, जीव तो जीव जितनी सोच ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, आज तक परमात्मा ने सतनाम और सार नाम की किधर छींट भी नहीं लगने दी किसी व्यक्ति को, इसकी भांप भी नहीं आने दी किसी तक। आदरणीय नानक साहेब जी को सतनाम प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज मत करना, नहीं तो मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा, परमात्मा कबीर जी ने कहा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको सतनाम और सारनाम प्रदान कर दिया था, प्रथम मंत्र भी दिया था, उनसे भी प्रतिज्ञा करा ली थी कि धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए, ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही।
आप उस पिछली पीढ़ी में जन्मे हो जिसके लिए परमात्मा इस भक्ति को संभाल के रखे हुए था और आपके लिए पिटारा खोल दिया, खजाना खोल दिया परमात्मा ने। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज उनके अंतःकरण में फीड कर दिया, उन्होंने फिर वो लिखवा दिया। लेकिन गरीबदास साहिब जी ने किसी को भी ये तीन ये मंत्र नहीं दिए, सतनाम और सारनाम, केवल एक संत को दिए थे। उसको ऐसी प्रतिज्ञा कराते रहे कि आगे किसी को बताना नहीं, आप जाप करो। केवल एक भक्त को बता, एक संत को बताना है, उत्तराधिकारी आपका। तो वो परंपरा चलती चलती मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास आई, उनसे आगे इस दास को प्राप्त हुई, जो आज परमात्मा ने इस बीज को बखेर दिया और पूरे विश्व को ये नाम अब देने का आदेश है। तो पुण्यात्मा भक्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए सबसे प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पूर्ण संत के बिना, सतगुरु के बिना यदि आप जी नाम जाप भी करते हैं और कोई दान धर्म भी करते हैं, वो आपका व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरुकीन और तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुरु के बिना यदि कोई साधना करता है वह व्यर्थ है, दान धर्म करता है वह भी व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि कोई अपने आप में ये समझे कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक नहीं है, तो आप जी यानी विशेषकर सनातनी लोग, हिंदू धर्म के व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानते थे। तो परमात्मा ने उन्हीं का उदाहरण देकर बताया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए, तो आप अपनी सतीति से परिचित हो जाना कि आपका कैसे गुजारा होगा, आपका निर्वाह कैसे होगा बगैर भक्ति, बिना गुरु बनाए और भक्ति किए। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने गुरु भी बनाए जिनको तुम भगवान मानते हो, आप जी जिनको भगवान मान रहे हो। तो पुणात्मा बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम और वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को दिया ओम नाम। क्या बताते हैं कि आप जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ जी को एक भगवान मानकर उसकी पूजा करते हो, और कहते हैं तीन लोक सब राम जपत हैं, रामचंद्र श्री राम सीताराम और जान मुक्ति को धाम, श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो और उनको भी दीनो ओम नाम। रामचंद्र जी तो ओम नाम जप, तुम राम राम जपो, देख दो अगली बात तुम्हारी। कबीर साहब कहते हैं देखो देखो भाई अकल का टोटा, ये अकल का टोटा न्यू बताया, बगैर ज्ञान के इंसान ऐसे भ्रमित है। फिर बताते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, दूसरा कोई है नहीं जिसके ऊपर परमात्मा उस एग्जाम्पल कोड करें। आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झान झनकारा आप नचे आप देखण हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप सुनाऊं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु के उपदेश का
लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, बिल्कुल नादान बालक जो ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड्ढे में गिरने जा रहा हूँ ये मेरा मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि जिस सर्प को मैं पकड़ने जा रहा हूँ ये आपको डस लेगा और आपकी जान का घातक, जीवन का घातक बन जाएगा। आप इतने अबोध हैं, आप ये नहीं जानते हो कि जो बिजली का तार नीचे टूट कर गिरा हुआ है, स्पार्किंग कर रहा है, लूज हो रहा है, उसको आतिशबाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेष्टा करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को जब इस गंदे लोक का ज्ञान होगा, आप जहाँ रह रहे हो, आप जिस माया रूपी सर्प को पकड़ने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, ये माया रूपी सर्प आपको खा जाएगा। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको ये सर्प मिलेगा, लेकिन इसके दांत निकाल दिए जाएंगे। ये परमात्मा आपको एक नंबर से धन देगा, क्योंकि फिर ये आपको डसेगा नहीं। दो नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए सर्प बन जाता है, और एक नंबर से कमाया हुआ और दान धर्म के द्वारा प्रतिफल से प्राप्त किया हुआ धन उस माया के फिर दांत निकाल दिए जाते हैं, वो डसती नहीं। तो आपको ऐसे तरीके से धनी बनाया जाएगा, फिर इस माया से परिचित कराया जाएगा कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। इस माया ने केचा टांगे जोड़ जोड़ के दरबी दी, यहाँ पर हम चले गए, पाछे मन हमारी सी निकम्मी संतान पैदा हो जा, वो पाप कर्म तो हमारे पल्ले लिखे गए और फूकेंगे वो बाद वाले। बच्चे की किस्मत वो साथ लिखा कर लाता है, उसको उतना ही मिलेगा। यदि इस परमात्मा की शरण में उसको जोड़ दिया तो वो जो उसको आवश्यक होगा वो सारा मिलेगा। हमने इस उद्देश्य से अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए कि अपने बेटे और बेटियों को धनी बनाऊं, मैं चाहे नरक में जाऊं। इसको कहते हैं आप स्पार्किंग वाले तार को पकड़ने जा रहे होते हो, पकड़ रहे होते हो। अब क्या बताया है कि आप इतने बालक हो, परमात्मा ने इन तीन चार अमृतवाणी में क्या बताया है कि जिस परमात्मा स्वरूप संत, परमात्मा के कृपा पात्र उस सतगुरु से जो उपदेश मिल जाता है, फिर आपको ये बातें याद आवेंगी कि हे परमात्मा, जब कितना कैर हमारे ऊपर टूट पड़ता यदि ये नाम ना मिलता। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। पुण्यात्मा, हमारे को मिसगाइड कर रखा है यहाँ पर, भक्तिहीन तत्व ज्ञानहीन संतों ने, संत के रूप में अज्ञानियों ने। कोई तो कहता कहीं स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई कहता सतलोक में चेतन ही प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा से लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में। इनको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब क्या बताया परमात्मा ने कि यहां
सब जो बोले गए शब्द हैं, शब्द स्वर्ग भी है, शब्द नरक भी है, शब्द संसारिक दुख सुख अलग हैं। तो ये अज्ञानी लोग कहते हैं कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, जो यहाँ दुखी है वो नरक भोग रहा है, सुखी है वो स्वर्ग भोग रहा है। नहीं, ये तो बालकों के मनगढ़ंत चुटकले होते हैं, कहानियाँ होती हैं। सदग्रंथों को आधार मानकर हमने अपने अपना भक्ति मार्ग को सेट करना है, अपने भक्ति साधना को प्रफुल्लित करना है। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। जैसे नरक में जब डाला जाता है इन प्राणियों को, उस समय उसके भयंकर दुख को देखकर, उसकी षडांत को देखकर वो वापस भागते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में ठोके जाते हैं उसमें, और वो वापस भागते हैं। पीछे यम के दूत बड़े बड़े भाले, छुर्रे, तलवार, मुगदर, ये गदा लिए खड़े होते हैं। जो वापस भागता उसके सिर में मारते हैं। सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं, पर दर्द दूना होता है। उनको ऐसे ठोका जाता जैसे पशु को फाटक में रोक क्या करते हैं, लठ मार मार के, और फिर उसमें पटक देते हैं। तो वहां परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण, उनसे कदे नहीं छूटता, और फिर फिरता चारों खान, फिर उससे निकल कर स्वर्ग नरक का जो समय भोग कर फिर बाहर आता, तो 84 लाख प्रकार के मनुष्य इन प्राणियों के शरीरों में, कुत्ते, गधे, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, पशु पक्षी, जलचर, ये कष्ट और भोगने पड़ते हैं। और इस परमात्मा के सच्चे नाम से, सतगुरु की शरण में आने से ये सारे दुख बाईपास निकल गया आपके। अब विचार करके देखना पुण्यात्मा, अभी तो आपने पता नहीं इस अध्यात्म ज्ञान का, आपने लोक वेद सुना है, दंत कथाएं सुनी है, फिर मानव शरीर में जिसको जरा सा थोड़ा सा सुख है उसने भगवान की हो सकता ही नहीं, और जब कैर टूट जाते हैं फिर भगवान की खोज शुरू होती है। तो ये नकली संतान की कमी नहीं, इनको ब्रैन माटी कर देता है, करवा देता है ये काल, लुटपेट कर आखिर में ये नास्तिक हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, दो ही ऑप्शन छोड़ता है। अब आपको परमात्मा मिले हैं, आपके अपने पिता मिले हैं, मात पिता कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देगा, चाहे आप कितना दुखी हो ले। तो आपको वो परमात्मा अब मिले हैं, वो पिता मिले हैं आपके, आप इसकी मर्यादा में रहना और इस जहाज से उतर मत जाना, फिर आप देखना आपको कैसे सुख देगा। क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान यानी इस दास का, तो एक दास को तो निमित्त बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान कर रहे हैं, आपका पिताजी। उसको वो कैसा करेगा, उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक, वो थर्मल प्लांट है जहाँ से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए, जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार इस ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आएगी,
उस परम पिता की थ्री फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना, या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा तो पावर आपके घर पर आपके काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता, जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है। जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 एक घंटे में ढेर लगा देती है। आटा पीसा करते हाथ से, वो मैनुअल दो घंटा में जाके 2 किलो पीसा करता, अरे 2 घंटे में ठोक दे पीट दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना, कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं। तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे, आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन लिए बैठे थे जो कीकर के लटका तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी संत और महंत और आचार्य और शंकराचार्य। तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया, फिर इस पावर के काम देखियो आप। ठीक है, ये एड्रेस कार्य होते हैं, इस यहाँ की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने नारा दिखाई देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे ऐसे सुख देगा आपको। और आप किसी को बताओगे आपको शर्म आओगी कि जान देना टेगा और मैंने झूठा बना होगा, एक झूठ बोल रहा है, और आपका कलजा फटफटन न हो रहा होगा, किसने बताऊं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिरता चारों खान, चार खानी में भरमता, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता, और कभू ना लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, यानी उस परमा गुरुदेव जी के उपकार से ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। गुणात्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहाँ से पीछा छुटवाने का, ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा आपको आत्मा से गलानी हो जाएगी पुनर्जन्म की, और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टिकने देगा, और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ऊपर तय इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहां आपके पुण्यों का नाश करवाता है, वहां देवता बना के इंद्र बना करके वहाँ बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन, काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है, वहाँ ऐसे 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 जुगाड़ जोड़ रखे, और आपके ही कमाई से अपना यो धंधा चला रहा है, यो 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुण्यों का 10% किसी रेस्टोरेंट में इसने 15% और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है, उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो भिखारी है उस भगवान के आगे जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुणात्मा यहाँ परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। आ-
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।